प्रताप इंटरनेशनल स्कूल गोढ़ना रोड आरा में आज क्रिसमस पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम के रूप में फूड फेयर, नृत्य, संगीत तथा नए वर्ष के स्वागत जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित रहे, जिसमें वर्ग प्रथम से वर्ग 11 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रांतोष कुमार दास, IG बिहार पुलिस एवं उनकी पत्नी गीता दास के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अन्य गणमान्य अतिथियों में आरा के पूर्व मेयर सुनील कुमार और प्रिया ज्योति DSP पटना रहीं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें छात्राओं ने नृत्य, संगीत और भाषण द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावक गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सेंटा क्लॉज ने आकर सभी को टॉफी वितरण किया और काफ़ी रोमांचित किया। बच्चों को उपहार और चॉकलेट भी बांटे। फूड फेयर में छात्रों ने बाजार व्यवस्था के अनुरूप फूड स्टॉल खरीद कर बाजार मूल्य के हिसाब से कई स्वादिष्ट फास्ट फूड व्यंजन बनाए, जिसके द्वारा वे मार्केटिंग के गुणों एवं व्यवस्था को समझ सकें। बच्चों और अभिभावकों के लिए भी कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रांतोष कुमार दास ने कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की। छात्रों का उत्साहवर्धन किया। आरा के पूर्व मेयर सुनील कुमार ने भी छात्रों को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशक विश्वकर्मा ने अपने अभिभाषण से किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये बच्चे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काफी आगे रहेंगे। साथ ही साथ नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्राचार्य शैलेश कुमार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी शिक्षकों को धन्यवाद दिया, जिसमें आनंद कुमार, अरुण प्रसाद, धर्म प्रताप सिंह, हरिओम, सलोनी सिन्हा, सोनाली कुमारी, मनीष कुमार, नीतीश कुमार, नीति कुमारी, प्रिया शाह, पूजा चौधरी, रजनी वर्मा, रामजी तिवारी, रंजू सिंह, रोशन कुमार, रविशंकर चौबे, प्रीति सिन्हा, रोहित कुमार, संतोष कुमार, सालू कुमारी, सीताराम श्रीवास्तव, सुमंत कुमार सिंह, नितेश कुमार, स्वाति शिवम, विकास कुमार, अविनाश कुमार, आलोक कुमार, पूजा कुमारी और पायल कुमारी को अपना आभार प्रकट किया। फूड फेयर हम लोग कराते हैं। फूड फेयर में इसका एक कॉन्सेप्ट है सर कि बच्चे खुद से खाना को बनाते हैं, वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं, उनको ऑक्शन के थ्रू प्लेस मिलता है, उस प्लेस पे उनका स्टॉल लगता है, उनके सर की कूपन हम लोग देते हैं, जो कि जो भी पेरेंट्स या जो भी ऑडियंस आता है वो कूपन को कलेक्ट करता है, खरीदता है, और उस कूपन से उनके बनाए गए खाने को हम लोग खरीद के खाते हैं। तो ये हम इंकरेज करते हैं बच्चों को कि बिजनेस पॉलिसी कैसे होती है, ऑक्शन में हम उनको सिखाते हैं कि ऑक्शन होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग बच्चों को एक इंजॉय के साथ साथ उनको एक बिजनेस का गुण भी सिखाने का कोशिश करते हैं सर। और सबसे बड़ी बात कि आप आज यहाँ हमारे स्कूल में आए हैं, इसके लिए हम सब के तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद है सर। IG बिहार पुलिस प्रांतोष कुमार दास। और सर के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, से अपना स्कूलिंग किया है, इंटर और स्कूलिंग इनका भागलपुर से हुआ है, ग्रेजुएशन इन्होंने MSc फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद इन्होंने BPSC के थ्रू
एज अ डीएसपी इन्होंने ज्वाइन किया था 2004 में आईपीएस प्रमोट हुए और अब ये आईजी बिहार पुलिस हुए हैं। उसके इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था पटना में, जब ये ट्रैफिक एसपी थे इन्होंने वहाँ पे पटना में इतना ज़्यादा काम किया है कि आप उस चीज़ को एक जोड़ के जिसके लिए इनको बिहार में याद किया जाता है। वी आर ऑनर कि आप यहाँ पे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग थोड़ा सा अपना वो जो भी प्रोग्राम है सर अब आगे आप। और मैडम नीता दास को, प्रिया ज्योति डीएसपी बिहार पुलिस, समय में डीएसपी आईपीएस आईएएस जितने भी बड़े पद पे हो वो हमारे स्कूल के बच्चे जाएं, सर का एक छोटा सा आशीर्वचन आप सबके लिए। और जितने पेरेंट्स आए हैं, मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, मां हैं, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर मिस्टर अनिल कुमार एंड मिस्टर सुनील कुमार, इसके डायरेक्टर मिस्टर विश्वकर्मा, माय इंस्पेक्टर नवादा एंड माय फेलो पुलिसमैन, प्रेस एंड मीडिया ब्रदर्स, प्यारे बच्चों, आई सैल्यूट यू ऑल, आई रियली सैल्यूट यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। आपने मुझे इतना सम्मान दिया क्या का स्कूल का चीफ गेस्ट बन के? नो, आपने मुझे ये एक मौका दिया कि इतने पेरेंट्स के साथ मैं बात कर सकूं, मैं उनकी सुन सकूं, मैं उनको अपनी भावनाओं से अवगत करा सकूं। चीफ गेस्ट मुझे कोई तमन्ना नहीं है, मैंने जिंदगी में मेरे बहुत पा लिया और इस समाज का दिया हुआ है। मैं वापस इस समाज को, मेरा कर्तव्य है कि वापस दूं। तो आप कहेंगे कि मैं एक सामान्य हूं, मैं आईजी नहीं हूं, मैं आईपीएस नहीं हूं, मेरा नाम प्रांतोस है, आई वुड लव टू बी कॉल्ड प्रांतोस, आई वुड लव टू डाई एज ए प्रांतोस। आईजी साहब हैं, बढ़कर घमंड हो गया, मुझे गर्व है अपने आप पे। खड़ा कर दीजिए अमिताभ बच्चन को, यहां लाके हारेंगे नहीं उनसे, हम नहीं हारेंगे। घमंड है मुझे? नो, मैं अपने पर गर्व करता हूं, मैं जो कुछ भी हूं अपने पर गर्व करता हूं और मुझे घमंड नहीं, मुझे गर्व है कि मैं मनुष्य में पैदा लिया, मुर्गा नहीं बना, नहीं तो मुर्गा काट के हमको कोई खा गया होता, पिल्लू नहीं बना, नहीं तो कौवा लेके भाग गया होता, 80 लाख जोड़ने के बाद ये मिलता है। मैं इतनी बातें थी, मैं क्यों आया सारा छोड़ के पटना से यहां? बिलीव मी, मैं इसी बिहार का बेटा हूं, इसी सारण घर का हूं, लेकिन आपको कहा ना खड़ा करिए तो हमको कौन बनेगा करोड़पति? खड़ा करिए सलमान खान और फरमान खान, और I am Prantos, I am proud of being Prantos. If I am a chaprasi, I am best chaprasi. लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो। हमको 40% नंबर आता है। ओके,
मैं आपके साथ, इन पेरेंट्स के साथ, आज कार्निवल है, मैं आपका दिमाग चाटने नहीं चाहता हूं, लेकिन आज आपके साथ दिल की बात शेयर करूंगा। मैं भी बाप हूं, हर बाप के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी बात को गौर करिएगा, आपका बच्चा जिंदगी के आसमान की नई ऊंचाई को छुएगा, और मैंने आसमान छुआ है, छुआ है। पुलिसिंग में यस भारत का प्रथम, आठ में दुनिया का प्रथम मैंने किया है। मेरी बीवी बहुत गुस्सा रही होगी कि भाषण देते अपना पढ़ाई करती, रास्ता भर झंझट होगा जाने में गाड़ी में, मुझे पता है, लेकिन मेरे बाप में जो है, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज बच्चा यू एंजॉय। पेरेंट्स, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए ज्योति प्रिया, बहुत बोला तो खड़ा हो जाना, जूता तो मारोगे नहीं तुम लोगों को, खड़ा हो जाओगे तो मैं शर्मिंदा होकर खत्म कर दूंगा। लेकिन प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आई लर्न फ्रॉम माय कॉन्स्टेबल एवरी डे, हर दिन हर पल मैं अपने सिपाही चपरासी से सीखता हूं। मैं पूरे समाज तो छोड़िए, मैं पूरे समाज स्वीपर जो मेरा बाल काटता है उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर बाल वाला मेरा बाल नहीं काटता यार, अपने से काटना पड़ता तो कोई लड़की पसंद करती है हमको, मेरा बिहार होता नहीं होता। पढ़ रही है तो जो मेरा बाल काटा उसका मैं पैर छूंगा, क्योंकि उसने बाल काट के आज हमको बेटा वाला बाप बना दिया, गर्लफ्रेंड भी मिल गई, फिर शादी कर लिया। एहसान ना भूलिए, घमंड मत करिए। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। और बच्चों ने यहां पे दो लड़कियां, ये दोनों एक शब्द बोलो, क्या बोला, बच्चों के लिए हानिकारक ना बने। कितना सिंपल बात, सिंपल नहीं है। इतनी उम्र हो गई, कितने फंक्शंस बोल दिया, पहली बार दिल का बात छू लिया। हम मां बाप अपने बच्चों के लिए हानिकारक बनते हैं, उनको नहीं बनने देते जो वो बनना चाहते हैं। बेटा तू डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तू आईपीएस चला जा, तू आईएस चला जा, प्रांतोस भूल जा, आईपीएस बन जा बेटा। मैंने ये मोबाइल फोन तो बर्बाद करके रख दिया है जिंदगी, आबाद भी कर दिया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। कोई है बॉडीगार्ड रे?